Subscribe to my channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे? सब ठीक ठाक? सब बढ़िया? आपका दोस्त सोमेन घोष फिर प्रेजेंट हो गया. फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वाली पतंग को उड़ाएंगे और उड़ा करके पेंच मेंच लड़ाएंगे. और इस पतंग को हमने अपने पास ही बनाया था, तो इसकी बनाने की वीडियो आप लोगों ने देख ही ली होगी. और अगर जिन्होंने नहीं देखी है, जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स है, उनके लिए हम इस वाले वीडियो के अंदर इसका लिंक डाल देंगे. आप लोग ज़रूर देखिएगा इसको बनते हुए भी, देखिएगा इस पतंग को. फ्रेंड्स, हम लोग इस पतंग को भी हमने होली वाले दिन उड़ाया था और इसको होली से एक दिन पहले बनाया था. तो आप सोच रहे हैं कि इस पतंग को आज मैं छत पर क्यों लेकर के आया हूँ. फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि पहले हम लोग मच्छरों से बहुत परेशान थे और अब हमारे छत के ऊपर 3-4 बंदर भी आने लग गए. और बंदर जो है बिल्कुल निडर हैं, वो किसी से भी नहीं डरते. लेकिन फ्रेंड्स, जब भी हम इस पतंग को छत के ऊपर लेकर के आते हैं तो बंदर इसको देख करके डर के मारे भागता है. वो बिल्कुल भी पास नहीं आता, वो इतना डर रहा है इस पतंग से कि उसकी हवा टाइट हो जा रही है. तो चलिए फ्रेंड्स, पहले इसकी ट्रायल हो जाए, इसको उड़ा करके थोड़ा सा हम लोग ट्राई व्राई कर लें. पहले तो हमने इसको उड़ा करके देखा था, ठीक था. अब इसको बने हुए एक हफ्ता हो गया तो जा रहा ही है ठुमक ठुमक करता हुआ. थोड़ा सा हल्का सा खींच उच मार करके देख लेंगे कि बैलेंस में आया कि नहीं है. उस दिन तो थोड़ा सा सुस्त था, पर मेरे को अब लग रहा है कि ठीक हो गया होगा, ठीक हो जाना चाहिए. तो इसको हम लोग कम से कम 100 मीटर तक ले जा करके खींचेंगे. हाँ, बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स, मस्त है पतंग. हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, बढ़िया है, बढ़िया है. ये चक्कर सही है, काइट फाइटिंग होगी. ये अभी हम सद्दी से उड़ा करके देख रहे हैं फ्रेंड्स, अभी मंजा लगाएंगे. बहुत मस्त है, मज़ा आ गया. और इसको भी जो है हम लोग इसको उतार करके फिर मांझे से उड़ा करके आप लोगों को पेच लड़ा के दिखाता हूँ मैं. फ्रेंड्स, हमने पतंग को उतार ली, ये सद्दी से ट्रायल कर ली हमने पतंग का. अब इसमें लगाएंगे मांझा. ये बरेली का मांझा है और बहुत अच्छा मांझा. इसमें 2 रील या 2.5 रील होगा मांझा, लेकिन मांझा बहुत अच्छा है, काफ़ी पुराना मांझा है. और इसमें सद्दी लगाएंगे फ्रेंड्स, ये रेड वाली सद्दी लगाएंगे जो ये स्टैंड में लगी हुई है चरखी. इसमें रेड कलर की, उसमें 4 नंबर की सद्दी है. तो चलिए फ्रेंड्स, इसको उड़ा करके हम लोग आपको दिखाते हैं और पेच वेच लड़ाते हैं. फ्रेंड्स, हम लोग अब इसको छोड़ने लग रहे हैं पतंग को और इसको मांझे से उड़ा रहे हैं. और इसमें कम से कम 250-300 मीटर मांझा लगाएंगे. होममेड काइट है फ्रेंड्स, और जो स्टील की चरखी है वो भी होममेड है, सद्दी वाली. अब ये देखिए फ्रेंड्स, पतंग ठीक से ही खींच रहा है. चरखी देखिए अपने आप ही घूम रही है, यानी पतंग की खींचने की पावर सही है. जा रही है चक्कर लेती लेती. अभी जो पेच लड़ेगा तो DSLR कैमरे से दिखाएंगे हम आपको. ये देखिए इसकी स्पीड, देखिए घूमने की, देखिए आप चरखी कितनी तेज घूम रही है. तो फ्रेंड्स, ये पहुंच गया 300 मीटर. अब जो है हम लोग सद्दी बांध देंगे इसमें. फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट 300 मीटर्स मांझा बांध दिया मैंने. और ये मैंने मांझे की चरखी लगा दी स्टैंड पे और ये सद्दी जो है फ्रेंड्स अब मैं बांध दूंगा इसमें. रेड कलर की सद्दी है, रेड कलर का पतंग है और रेड कलर का मांझा भी है. बंदर को डराने के लिए बहुत बढ़िया है फ्रेंड्स ये. इससे देख करके बंदर जो है ना अपना पूंछ उठा करके भागता है, ऐसे भागता है जैसे मान लो उसने सच्ची मुच्ची का भूत देख लिया हो. ये बहुत ही खतरनाक दिखता है फ्रेंड्स. फ्रेंड्स, ये देखिए अब पेच लड़ने लग रहा है और वो काफ़ी भीतर घुस करके आ गया और उसने खींचा और मैंने भी मारी तेजी के साथ फ्रेंड्स. और डबल का पेच काटा फ्रेंड्स, देखिए उछलती हुई गई. निकल गई, नहीं तो लपेट लेता. काफी स्पीड से जा रही है फ्रेंड्स.
फ्रेंड्स अभी जो आपने पेज देखा उसमें क्या हुआ कि वो पतंग राइट हैंड साइड से नीचे से आ गया और उसकी पतंग थोड़ी सी अंदर ही थी, उसने फ्रेंड्स नीचे से ला करके ऊपर चढ़ा दिया बहुत तेज़ी के साथ। और मैंने क्या किया, मैं ऊपर से पूरा लाम बनाता हुआ गया और पूरा खींच करके बाहर नहीं निकला फ्रेंड्स, एक पर्टिकुलर जगह पर रुक गया मैं। और रुकने के बाद क्या हुआ, एक दो चक्कर दिया, जैसे उसकी पतंग की मुंडी थोड़ी सी ऊपर की तरफ हुई ना, मैंने ऊपर खींच करके डबल का पेच काटा, इसको डबल का पेच कहते हैं। अभी देखिए फिर फ्रेंड्स दो तीन पतंग आ गए हैं लड़ने के लिए इकट्ठे, लेकिन मैं एक एक को चुन करके लड़ाऊंगा। देखिए फ्रेंड्स वहाँ पे एक भैया खड़े हैं ना, ये बहुत अच्छा लड़ाते हैं, अभी ये भी उड़ा रहे हैं और बहुत बढ़िया लड़ाते हैं, अभी इनसे भी पेच लड़ेगा हमारा। देखिए फ्रेंड्स फिर से लड़ने जा रहा है और ये ला रहा है पतंग, और मेरी पतंग जो है ऊपर है, मेरी पतंग को तो पहचानते ही हैं, मेरी पतंग को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये आया, चल 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 चल, देखे काफी अंदर घुस रहा है फ्रेंड्स ये तो। ये मैंने मारा इसको, रख दिया फ्रेंड्स मैंने, वो काटी रखते ही देखिए एक हाथ भी नहीं खींच पाया, वो चली गई उसकी पतंग, बहुत तेजी के साथ जा रहा है, निकल गया फ्रेंड्स बहुत, मैं इसको लपटाने की सोच रहा था लेकिन निकल गया पहले ही। फ्रेंड्स इस वाले पेच में क्या हुआ, वो नीचे से जैसे उसका मुड्डा बनाना खींचने का, जैसे उसका मुड्डा बना मैंने क्या किया, मारा उसको टेपर गद्दा, और टेपर गद्दा मार करके डोर निकाल दिया फ्रेंड्स। और डोर निकालने की वजह से क्या हुआ कि उसके ऊपर से डोर रगड़ती हुई गई और उसकी पतंग ना भीतर ही भीतर उछल गई फ्रेंड्स। और ये पेज भी काफ़ी मस्त था, अभी देखिए फिर से मैं लड़ा रहा हूँ फ्रेंड्स, देखिए फिर से मैं पेज लड़ा रहा हूँ और मज़ा आ रहा है अभी पेज लड़ा करके, बहुत हवा भी आज बहुत मस्त है फ्रेंड्स। वो डाउन ही नहीं कर रहा डर के मारे, दहशत है भाई मेरी पटियल की, आ रहा है, आ जा भाई आ जा, आया ऊपर से आ गया फ्रेंड्स ये, और ये मैंने खींच खींच वो काटी फ्रेंड्स, वो देखिए जा रही है, जैसे उसने रखा वैसे ही मैंने पूरा खींच लिया, ये जा रही है। आ गई थी डोर लेकिन निकल गई फ्रेंड्स, हवा की स्पीड अच्छी खासी है। दूसरे मोहल्ले में पहुंच गई फ्रेंड्स वो कट करके। फ्रेंड्स इस वाले पेच में मैंने क्या किया कि मैं नीचे से उसके गया और मैं इंतज़ार कर रहा था कि वो अपना पतंग का मुड्डा नीचे की तरफ करेगा, तो जैसे उसने फ्रेंड्स अपने पतंग का मुड्डा नीचे किया ना, मैंने कोई चक्कर वक्कर नहीं दिया, मैंने सीधा ही आसमान में खड़ा खींच दिया। मेरी पतंग की स्पीड बहुत अच्छी है फ्रेंड्स, ये कहने के लिए होममेड काइट है लेकिन ये बाज़ार की काइट से कहीं पे भी कोई कमतर नहीं है, बहुत अच्छी पतंग है फ्रेंड्स। और अभी आपने देखा इस पेज के अंदर कि मेरी पतंग ने इतनी स्पीड पकड़ ली कि उसको कुछ करने का मौका ही नहीं मिला, मैंने आसमान में ही खड़ा पेज काट दिया उसका। वो चाह रहा है कि पूरा ही अंदर, ये मिल गया मौका फ्रेंड्स मेरे को फ्रेंड्स, और नहीं निकाल ले गया फिर से। पूरा नहीं ला रहा है फ्रेंड्स जानबूझ करके, ताकि वो मेरे कन्ने को ही काट दे, इस तरह से उसकी कोशिश हो रही है लेकिन इतना आसान नहीं है मेरा कन्ना काटना। चल अब तो मैं तेरे ऊपर चढ़ गया, निकल गया फ्रेंड्स पेच में, आते आते बचा बिल्कुल एकदम। आ गया फ्रेंड्स पेच में, वो काटी
वो जा रही है उछलती हुई, लपेटने की कोशिश करता हूँ, शायद लपट जाए। नहीं, स्पीड ज़्यादा है फ्रेंड्स आज हवा की। फ्रेंड्स अब मेरी जो पतंग ब्लैक वाले से लड़ेगी, ये ब्लैक वाली पतंग जो है ये खींच के लड़ाता है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लड़ाता है, लेकिन मैं आज इसको खींचने का मौका नहीं दूंगा। अभी डोर निकाल रहा है फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स देखिए फिर से लड़ने जा रही है। और ये ब्लैक वाली पतंग आई है, ये इसने कई सारी पेच काट दिया फ्रेंड्स, अभी उधर लड़ा रही थी, अब मेरे पास आ गई है लड़ने के लिए। चल आजा आजा फ्रेंड्स, पेच फंस गया। निकल गया पेच में से फ्रेंड्स, नहीं निकला नहीं था फ्रेंड्स, उसकी कट गई। वो देखिए जा रही है फ्रेंड्स, उसकी पतंग कट गई। मैंने सोचा था शायद निकल गया पेच में से, लेकिन पेच में था। निकल गई, हवा की स्पीड भी आज बहुत ज़्यादा है, आ नहीं रही कोई भी पतंग, चली गई फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखिए फिर से पेच आ गया और एक मुर्गा और आ गया है। फ्रेंड्स अब बहुत ज़्यादा पतंग उड़ने लगेगा क्योंकि अब होली निकल गया है। नीचे से चल, फ्रेंड्स ढीलम पे ढील दोनों का ही ढीलम पे ढील। ओ काटी, मेरा मांझा ज्यादा अच्छा है। लपट जा। नहीं लपटा, निकल गया। फ्रेंड्स अभी दो पेच लगातार लड़ गए फ्रेंड्स, एक के पीछे एक पेच लड़ गया। और जो इस पेच से पहले वाला जो पेच था फ्रेंड्स, उसमें क्या हुआ कि वो ढील का पेच लगा हुआ था। मैंने सोचा कि शायद पतंग डोर से टकरा के अलग हो गई, लेकिन डोर से टकरा के अलग नहीं हुई। फिर क्या हुआ, जैसे ही मैंने पतंग को अपना थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में करके आसमान पे उठा करके मैंने सोचा कि दोबारा फिर लड़ाऊंगा, उसी टाइम ही फ्रेंड्स मेरे हाथ में उंगलियों पे ये एहसास हो गया कि पतंग पेच पे थी। और मैंने थोड़ा सा डोर निकाला और निकालते उसकी पतंग कट गई थी। और ये भी पेच फ्रेंड्स ढील का पेच लग गया था, और ढील का पेच लड़ा थोड़ी देर तक तो डोर निकला, दोनों का ही डोर सही निकला। लेकिन फ्रेंड्स मैं बता दूं, मेरा रखा हुआ पुराना डोर है और मांझा बहुत अच्छा है। और ये रिशु एक कारीगर हैं बरेली के, उनके हाथ का बना हुआ मांझा है, तो बहुत अच्छा फ्रेंड्स ये मांझा है। और ये मांझे के बल पे ही मैंने ये वाला पेच काटा। फ्रेंड्स अब जो मेरा पेच लड़ेगा इस वाले पतंग से लड़ेगा, ये जो पटियाल आप देख रहे हैं इससे लड़ेगा। और चाहे खींच के लड़ाऊँ चाहे ढील से लड़ाऊँ, कभी भी फ्रेंड्स जो है पेच जो है आपको अपनी मर्जी से नहीं लड़ाने को मिलेगा। पेच हमेशा ही डिपेंड करता है कि सामने वाला क्या खेल खेल रहा, उसी हिसाब से आपको भी पेच लड़ाना पड़ता है। तो ये अभी डोर निकाल रहा है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखिए अब थोड़ा सा पेच दूर लड़ेगा, अब पास नहीं लड़ेगा। दोनों ही डोर निकाल रहे हैं, वो भी डोर निकाल रहा है, मैं भी डोर निकाल रहा हूँ। और बीच में चील पतंग फाड़ने के लिए आ रहा है, वो देखिए मेरी पतंग को फाड़ने के लिए आ रहा है, क्योंकि मेरी पतंग का जो पूंछ है वो डिफरेंट है। फ्रेंड्स मैं नीचे से लड़ा रहा हूँ और सामने ओपोनेंट मेरा ऊपर से लड़ा रहा है, आ गया वो भी चढ़ करके काफी।
वो काफ़ी चढ़ता हुआ आ रहा है फ्रेंड्स। मैं भी अंदर घुसा उसके और वो भी चला, मैं भी काट दी फ्रेंड्स उसकी, बहुत ताकत से लड़ाना पड़ा मेरे को। वो जा रहा है, वो देखिए उसने गद्दा मारा था टेपर, ये देखिए जा रही है। फ्रेंड्स ये वाला पेज बहुत ज़्यादा ताकत का लड़ा था और काफ़ी पावर यूज़ किया, उसने भी पावर यूज़ किया, मैंने भी यूज़ किया, क्योंकि ये जो प्लेयर था ये बहुत सॉलिड लड़ाने वाला प्लेयर था, ये ऑर्डिनरी प्लेयर नहीं था। तो इस करके मेरे को बहुत अलर्ट होकर के फ्रेंड्स वो मेरे पेज में क्या हुआ कि मैं जब अंदर घुसा तो वो भी काफ़ी चढ़ करके आ गया। वो जो है लेफ्ट हैंड साइड से उड़ा था, मैं राइट हैंड साइड से, मैं अंदर घुसा इस तरह से, वो भी काफ़ी चढ़ करके आ गया फ्रेंड्स। बिल्कुल उसने यहाँ पे मेरा झोल पकड़ने की कोशिश की और मेरे को पूरा आइडिया मिल गया कि ये झोल पकड़ेगा। तो मैंने भी क्या किया, खींच करके बाहर निकाला जितना बाहर निकाल सकता था। फिर उसके बाद मैंने आसमान में खड़ी कर ली पतंग और वहीं से मैंने पावर बनाया जो लंबे लंबे हाथ खींच करके, और जैसे ही डोर से डोर नज़दीक आया फिर मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई लाइक दिस। तो इस तरह से ये पेज था फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखिए मेरा फिर से एक पेच लड़ने जा रहा है और बहुत ही पावरफुल पेच लड़ेगा, और ये पतंग जो है ये बढ़ करके जा रही है, इसी से लड़ेगा और बहुत पावरफुल पेच लड़ेगा पिछली पेच की तरह। और मेरा होममेड काइट तो अछाया हुआ है, बहुत सारे पेच काट दिया, इससे पहले न्यूज़पेपर काइट जो था फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने न्यूज़पेपर काइट उड़ाई थी उससे भी मैंने बहुत सारे पेच काटे थे, और ये स्टार वाली काइट जो है, जबकि इसका पेपर बहुत अच्छा नहीं है, इसका पेपर बिल्कुल ऑर्डिनरी पेपर है जिससे बच्चे ड्राइंग वगैरह करते हैं ना, अगर इसका अजंता का पेपर होता तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा पतंग बनता, लेकिन अजंता का पेपर मेरे पास नहीं था, इस करके जो मेरे को ऑर्डिनरी पेपर यूज़ करना पड़ता है। यहीं पे पास में एक स्टेशनरी शॉप है, वहीं से मैं कागज़ ला करके, पतंगी कागज़ ला के पतंग बनाता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स मैं कैमरामैन को बोलूँगा ज़रा फिर से अपना निशाना लगाए पतंगों के ऊपर। मैं नीचे से लड़ाऊँगा शायद, पता नहीं, अभी ओपोनेंट के मूड का कुछ पता नहीं है, वो कहाँ से लड़ाएगा। फ्रेंड्स देखिए फिर से पेच लड़ने जा रहा है और वो भी डोर निकाल रहा है, मैं भी डोर निकाल रहा हूँ, मेरी होममेड काइट है। दिल थाम करके बैठी है, बड़ा ज़बरदस्त पेच होने वाला है फ्रेंड्स, जैसे मैदान में होता है ना वैसा ही पेच होगा, उससे कम नहीं होगा। फ्रेंड्स उसकी पहले ही चली गई थी और उसके पतंग का मांझा जो है मेरे पतंग से टकरा गया फ्रेंड्स। मेरी पतंग फट गई है सौरभ।
फ्रेंड्स, अभी जो आपने पेज देखा है, एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि क्या हुआ कि जब उसने अपनी पतंग पट करी ना और मैंने थोड़ी सी चढ़ाई थी, तो फ्रेंड्स मेरे को लग रहा कि उसी टाइम ही उसकी पतंग में मेरी पतंग का डोर लग गया और डोर लगने की वजह से उसकी पतंग जो है दोबारा जब उसने आसमान की तरफ चढ़ाया उसकी पतंग टूट गई। तो फ्रेंड्स इस तरह से उसकी पतंग चली गई, लेकिन क्या हुआ कि उसकी पतंग जब टूट करके जा रही थी तो उसका मांझा मेरी पतंग के ऊपर गिरा और बिल्कुल मेरी पतंग के ऊपर गिरने की वजह से क्या हुआ कि फ्रेंड्स मेरी पतंग फट गई और अब मैं उसको खींच करके उतारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि शायद आगे किसी छत से बच्चों ने लंगड़ उंगड़ मार करके तोड़ लिया पतंग को और मेरी पतंग चली गई। मैं अपना डोर लपेट रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो मेरी ये पतंग थी, ये होममेड काइट, ये मेरी पतंग कटी नहीं। आज मैंने जितने भी पेज, पता नहीं मेरे को भी मालूम नहीं कितने पेज काटे हैं, लेकिन कुछ के वीडियोस बने हैं, कुछ के वीडियोस नहीं बन पाए। तो फ्रेंड्स अब मैं ये वीडियो बंद करता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक कर देना इस तरह से और वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मेरे चैनल का नाम है काइट फ्लैट सोमेन।